एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि डीयू का हम अपने मार्क्स भरते हैं तो कैसे हमें भरने हैं, ठीक है? तो आप मतलब भर के दिखा दो। तो देखो ये मैंने आपके सामने डीयू का किसी बच्चे का लॉगिन कर रखा है, यहाँ पे अपना व्यू फॉर्म देख सकते हो और यहाँ पे अपडेट कर सकते हो अकेडमिक सेशन को। तो देखिए अकेडमिक सेशन पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखो अकेडमिक सेशन में क्या है कि जो बच्चे 12वीं के रिजल्ट से पहले अपना फॉर्म भर चुके थे तो उन्होंने मार्क्स नहीं भरे थे, रिजल्ट अवेटेड भरा था, ठीक है? तो रिजल्ट अवेटेड में आपको रिजल्ट पे जाके क्या करना है, अपना अकेडमिक में जाके रिजल्ट को पास कर देना, यानी आपको लिख देना अवेटेड हटा के पास, पास पे क्लिक कर देना, वहां पे पहले से लिखा आएगा, उसके बाद आपके सामने मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब एक कंफ्यूजन था, बेस्ट 4 जोड़े हैं, बेस्ट 5 जोड़े, बेस्ट 6 जोड़े, क्या जोड़े, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो देखो यहाँ पे क्या आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, अपडेट पे जाते हैं जैसे ही हम, तो अपडेट पे ऊपर देखो यहाँ पे लिखा रहा है कि एप्लीकेंट जो है वो शुड हैव पास्ड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली, यानी बच्चा जो है वो थ्योरी में भी पास होना चाहिए अलग से और प्रैक्टिकल में भी पास होना चाहिए, ठीक है? ये क्लियर लिखा है। दूसरा देखो क्या कह रहे हैं कि एनी पेपर विद बोथ, कोई भी पेपर दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है दोनों कंपोनेंट विल बी कंसीडर्ड ओनली 70-30, प्रैक्टिकल और थ्योरी वाला जो, थ्योरी और प्रैक्टिकल वाला जो रेशियो है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि आपको देखो कॉलम दे रखे होंगे, उसमें थ्योरी का कॉलम आपका अलग से होगा और प्रैक्टिकल का कॉलम अलग से होगा। तो टोटल आपके थ्योरी के कितने मार्क्स थे, उसमें से आपको कितने आपने पेपर में लिए हैं और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का था, उसमें फिर आपने पेपर में कितने लिए हैं, ये आपको चूज करना पड़ेगा उसमें, ठीक है? आगे देखो क्या कह रहे हैं ये कि द एप्लीकेंट शुड सेपरेटली फिल इन टू द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म द मार्क्स ऑब्टेंड एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर थ्योरी और प्रैक्टिकल ईच एंड द टोटल एज पर देयर मार्कशीट, ठीक है? जो भी मतलब आपके पास आपकी मार्कशीट में जो भी आपके मार्क्स दिए हुए हैं, जितने भी मार्क्स आपने टोटल प्राप्त किए हैं, वो सारी की सारी डिटेल आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान से देखनी पड़ेगी और उसको बड़े ध्यान से उसको फिल करना पड़ेगा आपको। और एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे है कि कन्फ्यूजन वाली जो थी, एप्लीकेंट आर इनकरेज टू एंटर ऑल द पेपर दे हैव स्टडी टू जनरेट द वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ यूजी कोर्सेज अवेलेबल देम। देखिए यहाँ इसके अनुसार क्या है कि आप जो एप्लीकेंट है वो उस सभी मतलब जो भी उसके पास सब्जेक्ट हैं, एप्लीकेट जो मतलब जो भी कैंडिडेट है उसको इनकरेज बढ़ावा दिया जाता है, कुछ ऐसा मतलब बनेगा कि वो अपने जो और जो भी सब्जेक्ट उसने पढ़े हैं 12वीं क्लास में, किसी ने 4 पढ़े हों, किसी ने 5 पढ़े हों, किसी ने 6 पढ़े हों, ठीक है? किसी के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं 12वीं में, किसी के पास 6 होते हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट आपके पास हैं वो आप सारे डाल दो, ठीक है? अब यहाँ पे बेस्ट 4 या बेस्ट 6 वाला सीन नहीं रहा, आप जो भी आपके पास सब्जेक्ट है पूरा वैसा का वैसा जैसा रिजल्ट आया वैसा अपडेट कर दो। फिर बेस्ट 4 और इसमें क्या अंतर है मैं आपको ये समझा दूंगा थोड़ा सा, पहले आप इस चीज़ को समझ लो, फिर मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ कि आखिर बेस्ट 4 कब काउंट होगा और यहाँ पे बेस्ट 6 क्यों डालने को कह रहा हूँ। और इसके बाद है मैक्सिमम ऑफ 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट मे बी अलाउड, मतलब मैक्सिमम 2 लैंग्वेज आपके अलाउड हो सकती है बेस्ट 4 के कॉम्बिनेशन में हो सकती है, ठीक है? अलाउड यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है कि मे बी, शायद शायद हो सकती है, ये कुछ स्पेशल केस होते हैं तब होता है। कई बच्चे अलग अलग बोर्ड के बच्चे आते हैं, कुछ के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, कुछ के पास 4 होते हैं, कुछ के पास 6 होते हैं, अलग अलग होते हैं, किसी के परसेंटेज किसी दूसरे सब्जेक्ट से नहीं बन रही होती, तो कुछ स्पेशल केस में आपको दिया जा सकता है, वो भी कुछ स्पेशल कॉलेज के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद में डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन जनरल जो होता है सिस्टम जो होता है उसमें 1 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है जो चला आ रहा है डीयू के अंदर, चलन आज तक वो ये है। और फिर क्या है कि एंटर 0 इन मार्क्स कॉलम इफ इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है? अब यहाँ पे देखो जैसे हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे CBSE और यहाँ पे देखो पास पे आपको पास सिलेक्ट करोगे तभी आपके पास ये कॉलम आएंगे, रोल नंबर वगैरह आपने डाल दिया यहाँ पे। इधर देखो जैसे इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश होगा मार्कशीट में, 80 नंबर का पेपर था, 80 में से जितने भी नंबर आए, जैसे मान लो 31 आए, और फिर 20 नंबर के जो आपका इंटरनल था प्रैक्टिकल था, 20 में से जो भी 19 आए वो आप भर दोगे, आपको मार्क्स भरते जाना है, वो परसेंटेज जो है आपकी ऑटोमेटिक वो करता जाएगा। और जो जो भी सब्जेक्ट है जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट के हमने मार्क्स यहाँ पे भर दिए, और लास्ट सब्जेक्ट जो है जो आपको नहीं है कुछ भी 0 भर दो लास्ट में, वो ऑटोमेटिक 0 ही ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसकी। तो यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट भर दो, और अगर आपने बेस्ट 4 भर दिए हैं, बेस्ट 3 भर दिए हैं, बेस्ट 5 भर दिए हैं, तो आप उसे अपडेट भी कर सकते हो अकेडमिक सेक्शन में जाके, आप आज भी अपडेट कर सकते हो, कल भी अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे किसी से कोई मिस्टेक नहीं हुई है, कोई बिल्कुल भी घबराए ना कि मैंने 4 भर दिए, मैंने 6 भर दिए, बाद में आप कमेंट करो, आपने जितने भरे हैं आप सारे भर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे सारे क्यों भरे जा रहे हैं और वहाँ पे बेस्ट 4 कैसे काउंट होंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ, जिस बच्चे ने ये यहाँ तक समझ लिया है कैसे मार्क्स भरने हैं उसका काफ़ी है, ठीक है? अब यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो, आपका अपडेट हो जाएगा जो भी है। अब हम चलते हैं सीधा
अपनी स्लाइड पे, और वहां पे मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर प्रोसेस होता क्या है। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। मार्क्स आप यहाँ पे चढ़ा सकते हो, आपके जितने भी मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, कुछ नहीं है। आगे का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए, इस बार आपके एडमिशन के प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज है कोविड-19 की वजह से। वो चेंज क्या है, अब आपको बेस्ट 4 और 6-5 सारा समझ में आ जाएगा। देखिए, लास्ट ईयर क्या होता था, जो ये एकेडमिक जो अभी हमने अपडेट किया है, ठीक है, एकेडमिक जो भी था, हमने जो भी अभी अपडेट किया है, इसमें हमने क्या डाले थे, अपने सारे सब्जेक्ट डाले थे। यानी कि यहाँ पे हमने ये बताया है DU को कि ये हमारा रिजल्ट है, यानी 12वीं क्लास में हमने ये सब्जेक्ट जो हैं पढ़े हैं, ठीक है। आपके जितने भी सब्जेक्ट थे आपने सारा बता दिया, आपने ये डिटेल दे दी कि भाई मेरे टोटल इतने नंबर का था, इतने नंबर का मेरा इंटरनल था, इतना मेरे थ्योरी में आए, टोटल मेरे इतने बने हैं। आपने पूरी डिटेल क्या करा, आपने समझा दिया। ये तो आपने अपना रिजल्ट बताया है, बेस्ट 4 का यहाँ पे आपका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने पता भी कर लिया है, और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता देता हूँ लास्ट ईयर क्या होता था। तो ये आपने भर दिया, यहाँ पे आपने अपना रिजल्ट बताया, बेस्ट 4 का यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। बेस्ट 4 का कनेक्शन कहाँ से आता है, आप समझिए। पिछले साल क्या प्रोसेस था, जो आपने फॉर्म भर दिया, आपने अपने नंबर भर दिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या होता था, एक प्रिंट निकलवाना होता था, आप उस प्रिंट को लेके जाते थे, और उस प्रिंट में आपके वो सारे सब्जेक्ट होते थे जो आपने भरे हैं, चाहे आपने चार चार सब्जेक्ट हो तो चार भरे हों, चाहे पाँच भरे हों, चाहे छः भरे हों, टोटल सब्जेक्ट लेके आप चले गए, ठीक है। कॉलेज में जब आपकी कट ऑफ आती है, तो कट ऑफ के बाद आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, आपको पता है कि भाई कौन से कॉलेज में आप जा सकते हो एडमिशन लेने, किसकी किस कोर्स में क्या कट ऑफ आई हुई है। मान लो आप किसी XYZ किसी भी कॉलेज में चले गए, और वहाँ पे अपना ये फॉर्म लेके आपको जाना था, लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, आप गए वहाँ पे, तो वहाँ पे जब आप अपना कोर्स सिलेक्ट करोगे, जैसे मान लो आपने सिलेक्ट किया BA प्रोग्राम, आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया मान लो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल, तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल BA प्रोग्राम की उस कॉलेज में जो कट ऑफ होगी, ठीक है, मान लो उस कॉलेज की कट ऑफ है 95%, 95% आपसे मांगे गए हैं, और आपके मार्क्स जो हैं वो 95% हैं, या फिर 95% से ज़्यादा है, मान लो आपके 96-97 जो भी है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे उसके लिए, ठीक है। अब आप जाओगे तो वहाँ पे पहले से वो जो टीचर होते हैं वहाँ पे, वो कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठे होते हैं, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट को देखते हैं, आपकी फोटोकॉपी के सेट को देखते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट में वो आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट अपने आप, उस मान लो आपने 6 भरे थे, तो वहाँ से बेस्ट 4 सब्जेक्ट जो होते हैं आपके, वो काउंट कर लेते हैं कि भाई कौन से बेस्ट 4 आप लगा रहे हो। तो आप जो बेस्ट 4 वहां पे लगाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज बनाएंगे, वो देखेंगे कि हाँ 95 की कट ऑफ है, और आपके अगर बेस्ट 4 में 95 बन गए तो आपको एडमिशन मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता, ये तो ये हो जाता है। लेकिन इस साल क्या करा, इस साल ये वाला प्रोसेस नहीं है। अब आप यहाँ पे समझो, इस साल ये वाला प्रोसेस नहीं, आपको जो है आपको भर देनी है अपनी डिटेल। आज आपने अपनी डिटेल को भर दिया, ठीक है, आज आपने अपनी डिटेल को भर दिया। इसके बाद क्या है, आपने अपनी डिटेल भर दी है, इसके बाद जब आपकी कट ऑफ आएगी, तो कट ऑफ जब आएगी तो आप वापस आपको अपना डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा, वहाँ पे आप डिटेल भर सकते हो, ठीक है। कट ऑफ आप डायरेक्ट गूगल की DU की वेबसाइट पे जाके गूगल से डाउनलोड कर लोगे, तो पूरे के पूरे कॉलेज होगी, जितने भी कॉलेज हैं सबकी कट ऑफ एक सिंगल PDF में मिल जाएगी, या फिर उसके बाद कॉलेजों की अपने अलग से भी कोर्स वाइज कट ऑफ आती है, तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। जब वहां से आएगी, फिर वहां पे अब सोचो, अब इस जगह पे जब आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो, मान लो आप सिलेक्ट कर रहे हो BA ऑनर्स आप करना चाह रहे हो हिस्ट्री में, मान लो आपने ये कोर्स सिलेक्ट कर लिया, या फिर मान लो आप करना चाह रहे हो BA प्रोग्राम और आप ले रहे हो कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल और हिस्ट्री का, कोई भी कोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो जब आप कोर्स सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा सिलेक्ट योर कोर्स, तो आप सिलेक्ट कर लोगे, मान लो तो आपने BA ऑनर्स कर लिया सिलेक्ट, उसके बाद आएगा कि अपनी परसेंटेज के लिए अपने सब्जेक्ट डालो, तब आपको वहाँ पे बेस्ट 4 डालने पड़ेंगे, फिर उस बेस्ट 4 के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करा, रिजल्ट दिखा दिया अपना कि हमारा रिजल्ट आ गया है। अब यहाँ पे आपको फिर एडमिशन के टाइम पे बेस्ट 4 काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है जो इस साल का है, और पिछले साल का तरीका थोड़ा सा अलग होता था, बस आपको वहाँ पे जाना पड़ता था, इस बार शायद वो नहीं जाना पड़ेगा, शायद अभी तक तो जैसा इन्होंने बताया है उस हिसाब से। और आगे आप DU की वेबसाइट पे अपडेट के लिए चेक करते रहो। तो यहाँ पे देखो, 2-3 तरह के कन्फ्यूजन दूर करें मैंने आपके, बार बार कमेंट में यही क्वेश्चन आया था कि सर कैसे फिल करने हैं आप बता दो, तो फिल करने वाला मैंने आपको दिखाया कैसे आपको भरने हैं। फिर दूसरा, क्या बेस्ट 4 भरें या बेस्ट 5 भरें या बेस्ट 6 भरें, जितने भी आप सारे भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपकी कट ऑफ काउंट नहीं हो, यहाँ पे आपकी बेस्ट 4 वाली कट ऑफ के लिए मार्क्स काउंट नहीं होंगे,
मार्क्स कब काउंट होंगे? मार्क्स तब काउंट होंगे जब आपकी कट ऑफ कॉलेज की आ जाती है। कॉलेज की कट ऑफ जब आपकी आ जाएगी, आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे, वहाँ पे आप अपने आप डिसाइड करोगे कि भाई मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, मुझे ये कॉम्बिनेशन लेना है, इतनी कट ऑफ गई है, मेरे इतने मार्क्स हैं, फिर आप बेस्ट फोर लगाओगे। अगर आपके बेस्ट फोर के उतने बन रहे होंगे, मान लो 70 चाहिए, 70% में एडमिशन हो रहा, अगर आपके 70 बन रहे होंगे तो ठीक है, आपको मिलेगा एडमिशन। अगर आपके 69 बन रहे होंगे तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। 70 से आपको ज़्यादा होंगे तो चल जाएगा, पर आपके 70 से कम नहीं होने चाहिए, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि पॉइंट में भी असर पड़ जाता है, पॉइंट में भी अगर आपके मार्क्स होंगे तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, तो आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हो। थोड़े दिन के बाद आपको एक और ऑप्शन देने वाला है DU, जैसे मैंने सुबह वीडियो बना के बताया था कि DU आपको जो ऑप्शन देगा वो ऑप्शन आपको इस तरीके से देगा कि आप अपनी जो मार्कशीट वगैरह उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। मान लो आपने कोई चीज़ अपलोड की तो आप उसको हटा के दोबारा अपलोड कर सकते हो, या फिर मान लो आपकी कोई गलती है छोटी मोटी तो आप उसको एडिट तब भी कर सकते हो। कुछ एडिट और कुछ रिप्लेस और कुछ अपडेट के ऑप्शन आपको बाद में भी मिलेंगे। बाकी मार्क्स अपडेट के ऑप्शन आपको अभी से मिला हुआ है अकेडमिक वाला, तो आप अकेडमिक कर सकते हो। आज करो, कल करो, परसों करो, जब भी आपको करना हो आजकल में आप अपना आराम से कर लो। इसके अलावा आप कई जगह से जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक और सोर्स बताता हूँ जानकारी करने का। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे, देखते हैं। देखिए, आपको एक सोर्स ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप DU की वेबसाइट पे जाओ। देखो, आज ना DU का वेबिनार हुआ है जिसमें कुछ ये जो एक्सपर्ट होते हैं इन्होंने आपके क्वेश्चन पे जवाब दिए। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं तो उनको जवाब नहीं मिल पाते, तो उन्होंने फेसबुक लाइव किया था और फेसबुक पे सारे जवाब दिए थे, ठीक है। तो फेसबुक में आपको क्या सर्च करना है, आपको डालना है facebook.com, फिर स्लैश डालना है, फिर उसके बाद DU एडमिशन, एडमिशन के बाद आपको ब्रांच डालना है, ठीक है। जैसा यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो लिखा हुआ, सेम ऐसा ही आप उस पे फेसबुक पे जाके सर्च करो, आपको एक वीडियो मिलेगा 1 घंटा 33 मिनट, लगभग इतनी है, 1 घंटा 33 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो को आप पूरा देख डालो, उसमें आपके सारे कंफ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं जो एडमिशन से रिलेटेड, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई होती है, इससे पुरानी वीडियो भी इनकी पड़ी हुई, आप वहां से भी देख सकते हो, क्योंकि ये तो DU के ही हैं, जो बताएंगे आपको 100% सही होगा। इनका बताया हुआ है जो है वो 100% सही है, आप इनकी बातों पर विश्वास करके आप सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने आपको बता दिया, वीडियो दिखा दिया, सारी चीजें समझा दी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आप कैसे आपके मार्क्स वगैरह अपग्रेड करने हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे आप अपने मार्क्स वगैरह इस तरीके से अपडेट कर सकते हो, परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक वो आपकी बना लेगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपकी कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे केवल आपका रिजल्ट का अपडेट है, आपकी कट ऑफ जिस दिन आएगी उस दिन आपके बेस्ट फोर को काउंट किया जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, जैसे मान लो कई सारे कोर्स में आपके कोई सब्जेक्ट काउंट नहीं होते, मान लो आपने केवल बेस्ट फोर भर दिया आज की डेट में, तो फिर बाद में आप उसे एडिट नहीं कर पाओगे ना, तो मान लो वो सब्जेक्ट नहीं लिया जा रहा है वहाँ पे उस कॉलेज में उस कोर्स में, तो फिर आपको दिक्कत आती है। तो इसीलिए आप सारे भर दो, फिर इसमें से आपके पास ऑप्शन होगा चूज करने का कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हो बेस्ट फोर के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने सारे सब्जेक्ट डाल दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी, काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च करी है इस पर, पिछले साल का पैटर्न जो था उसके अकॉर्डिंग मैंने आप देखा, फिर आपको नए साल का पैटर्न देखा, फिर मैंने कुछ कॉलेज के जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनसे बात की, वेबिनार की वीडियो को कुछ समझने की कोशिश की, तब जाके जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया है। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। आप जो फेसबुक वाली वेबिनार बताइए वो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत।